हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति शर्मा स्टूडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टॉप 5 विटामिन सी फेस सीरम्स के बारे में। इवन इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी फेस सीरम्स होते क्या है या ये यूज करना क्यों जरूरी है। जितने भी फेस सीरम्स अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप परचेज कर रहे हैं। मैंने सभी परचेज किया अमेजोन से, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, जो फेस सीरम्स होते हैं ना उसके अंदर एक्टिव इंग्रीडियंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसमें हर स्किन कंसर्न को दूर रखने का दम होता है। जैसे कि अगर आपको कोई एक्ने की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, रिंकल है, फाइन लाइंस है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, सभी को दूर रखने का दम रखता है एक फेस सीरम। फेस सीरम जो होता है ना हर स्किन टाइप और हर स्किन कंसर्न के लिए आता है, अवेलेबल है मार्केट में। सो अगर आपको आपका स्किन टाइप और स्किन कंसर्न पता है तो आप अपने लिए अच्छा फेस सीरम आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। और आप जब यूज करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि वो कितना जल्दी आपको इफेक्ट देना शुरू कर देता है। फेस सीरम का जो टेक्सचर होता है ना एक बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होता है, नॉन ग्रीसी है, लिक्विडी फॉर्म में कुछ आता है और एकदम से स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो फेस सीरम है वो आपको आपकी स्किन में डीप जाकर काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी ही सीरम में क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस देखो, विटामिन सी जो है ना एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे स्किन को रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ही सन की जो रेज होती है हमारी स्किन पर पेनिट्रेट करती है, वैसे ही एकदम से हमारी स्किन में ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो विटामिन सी उस डैमेज को रिवर्स करने का काम करता है। सो आई मीन कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है उसका एक ही सोल्यूशन है विटामिन सी, चाहे फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, कॉलेजिन की कमी हो रही है, स्किन प्लम्पी नहीं है, हर चीज में विटामिन सी आपको फायदा देती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि ना जो जैसे ही सन की रेस हमारी स्किन पर एकदम से पड़ने लग जाती है ना तो मेलेनिन प्रोडक्शन हमारे स्किन में एकदम से बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे फेस पर ना डार्क पैचेस होने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत अनइवन से स्किन लगती है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कहीं से लाइटर स्किन होती है तो कहीं से डार्कर स्किन आपको दिखने लग जाती है, जो कि मैं खुद से फेस कर चुकी हूँ। और ये प्रॉब्लम जो है ना मेरी विटामिन सी सीरम फेस सीरम यूज करने के बाद में ही खत्म हुई है। सो विटामिन सी सीरम अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलती है। आई थिंक इतना कन्विंस मैंने आपको कर लिया है एक विटामिन सी फेस सीरम के लिए। सो मैं अब आपको अपने टॉप 5 विटामिन सी फेस सीरम दिखाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको अपना नंबर 5 से शुरुआत करूंगी, 5 4 3 2 1 करके। जो नंबर 5 पर मैंने रखा है वो है ये डर्मा का 10% विटामिन सी फेस सीरम। ये जो है एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, आपने कभी ना कभी सुना होगा, इसको आपने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर भी देखा होगा। डर्मा को जितना बढ़िया पॉपुलर ब्रांड है ना उतनी ही बढ़िया क्वालिटी पे डिलीवर करता है। ऑल इन वन सीरम है। इसकी अगर मैं मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है नियासिनमाइड, हाइलुरोनिक एसिड और आपको इसके अंदर मिलता है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। ये तीनों मिलकर आपको आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को फेड करने का काम करते हैं। ऑल इन वन सीरम है, बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है। स्किन डल हो रही है, स्किन को रेडी बनाएगा, स्किन को ग्लो करेगा, मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है उसको कम करने का में पूरी पूरी हेल्प करेगा। इसके अंदर ना आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल रहा है, इसलिए आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग भी करता है। नियासिनमाइड जो है वो आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो उनको भी कम करता है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसके अंदर आपको जो एमआरपी दिया गया है 10 ml का जो एमआरपी है वो 349 का, बट अमेजोन से मैंने परचेज किया है 313 rupees में। सो अब बारी आती है हमारे नंबर 4 की। नंबर 4 पर है हमारा मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी फेस सीरम। अगेन एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। इसके अगर मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 10% इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन दोनों को ही कम्प्लीटली फेड आउट करने का काम करता है, एकदम जबरदस्त वाली शाइन ऐड करता है। ये एक हाइपो एलर्जिक फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आपकी स्किन को कोई भी नुकसान ये नहीं कर सकता है। एक ऑयल फ्री फॉर्मूला है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता है। सो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो टेक्सचर है ना एकदम से स्मूथ आपकी स्किन को बना लेता है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, और यानी कि ये एकदम परफेक्ट है हर स्किन टाइप के लिए। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ, 30 ml का जो MRP दिया हुआ वो है 699, मैंने अमेजोन से परचेज किया है 629 rupees का। सो अब बारी आती है हमारे नंबर 3 की। नंबर 3 पर है गार्नियर का विटामिन सी फेस सीरम। ये एक पॉपुलर ब्रांड है, आप लोगों ने कभी ना कभी इसकी एड टीवी पर देखी होगी, टॉप नॉच क्वालिटी ये डिलीवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये सल्फेट और पैराबेन फ्री है, विच इज परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो ये फेस सीरम आपके लिए बेस्ट है। और इसके अंदर ना आपको 30 times विटामिन सी मिल जाता है एज कम्पेयर टू इट्स ओन क्रीम। अगर आपने कभी इसकी क्रीम, गार्नियर की क्रीम ली हो तो आप देखोगे उसके अंदर सीरम की क्वालिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके अंदर आपको 30 times विटामिन सी सीरम मिल जाता है। और इसके जो शीट मास्क आते हैं ना गार्नियर के, वो
भी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, एकदम नॉन ग्रीसी है, लाइट वेटर है, एकदम से स्किन पर ना डीपर जाकर ये 3 दिन के अंदर सिर्फ आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने का काम शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, गार्नियर का जो फेस सीरम है ना, ये कोलेजन को भी बूस्ट करता है, स्किन को एकदम से प्लम्पी बनाता है, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो ना, स्किन के अंदर एकदम से अमेजिंग वाली शाइन ऐड कर देता है। अगर समर्स के लिए आप सोच रहे हो ना कोई भी फेस सीरम लेने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वाला, तो समर्स के लिए बहुत अच्छा। सो इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 30 ml का जो प्राइस है वो 649 rupees है, बट मैंने अमेजोन से 413 rupees का ही परचेज किया है। तो अब बारी आती है हमारे नंबर टू की। नंबर टू पर है लैक्मे 95 का विटामिन सी फेस सीरम। अगेन एक बहुत बढ़िया पॉपुलर ब्रांड है और बहुत बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करता है। अगर इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिल जाता है काकाटू प्लम, जिसमें आपको 100 times विटामिन सी मिल जाता है, देन ऑरेंजेस, जो कि आपके स्किन को एकदम से स्मूथ टेक्सचर दे देता है, लाइट स्किन बनाता है, लाइटर कर देता है इनके कॉम्प्लेक्शन को। इसके अंदर ना इसका जो टेक्सचर है एकदम से लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीसी है, स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है, स्किन पर एकदम से डीपली जाकर आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है, रिंकल्स और फाइनेंस पर काम करता है। सो इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, इसका 15 ml का जो MRP है वो है 299, और ये मैंने परचेज किया अमेजोन से 209 rupees में। फाइनली अब बारी आती है नंबर वन की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल में स्क्रीन पर दे दूंगी प्रीति शर्मा का स्टूडियो। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सो फाइनली हमारे लिस्ट में जो नंबर वन है वो है प्लम का 15% विटामिन सी फेस सीरम। ये जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है आपको, आप एक बार यूज करो, बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी सा टेक्सचर है और बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देता है। इसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है मैंडरिन, और साथ ही साथ में 15% इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड विद वाटर सोल्युबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी, जो कि बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहता है विदाउट ऑक्सीडाइजिंग। सो इस फेस सीरम के अगर मैं मेजर बेनिफिट्स की बात करूँ जो पर्सनली मुझे मिले हैं, ये स्किन को प्लम्पी बनाता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन में आपको जबरदस्त फायदा देता है। अगर आप जो फाइन लाइन्स होती है रिंकल्स से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं तो ट्राई दिस वन, डेफिनेटली आपको ये फायदा पहुंचाएगा और बिल्कुल भी आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सो ये जो है ना आपको एकदम से शाइन भी देगा, ग्लो देगा, हेल्दी क्लियर ग्लो स्किन देगा। जो सीरम है ना ये ऑल स्किन टाइप फॉर्मूला है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। सो अब अगर इसके प्राइसिंग की मैं बात करूँ, 20 ml का MRP इन्होंने दिया हुआ है 550, बट मैंने अमेजोन से परचेज किया है सिर्फ 385 rupees में। सो 385 rupees 20 ml का बॉटल आपको मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, इसलिए मैं इसको डेली यूज करती हूँ। अच्छा, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक और हेल्पफुल बात बता देती हूँ, जो कि मैंने ना अपनी वॉल पर लिखी है, क्योंकि मैं भी बार बार भूल जाती थी कि मतलब जो ये स्किन केयर का रिजीम होता है या रूटीन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं और मैंने खुद से यूज करके देखे कि ये प्रोडक्ट्स आपको फायदा देते हैं अगर आपको आपका स्किन टाइप और स्किन कंसर्न पता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या पहले यूज करें और क्या बाद में करें, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप फेस वॉश यूज करें, फेस वॉश के बाद आपको टोनर यूज करना है, टोनर के बाद आपको फेस सीरम यूज करना है, फेस सीरम के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और उसके बाद लगाना है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो होती है ना सन की रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी लेयर सबसे ऊपर आनी चाहिए, बाकी फेस सीरम डीप पेनेट्रेट होना चाहिए, तो उसकी जो वो अंदर जाना चाहिए, इसलिए हम उसको थर्ड नंबर पे लगाते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म मैंने आपको बताया, इस रिजीम में, इस रूटीन में आप जो है ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करें तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे और खुद से अपने फेस में जो है बहुत विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे लाइक मी। अब आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।